अजीब इंसान है कि बेटे को यूनिवर्सिटी तो भेजता है, आप पेट्रोल पंप पे 10 मिनट के लिए भी गाड़ी खड़ी करो तो पेट्रोल पंप वाले कहते हैं सिगरेट नहीं जलानी। आप बोलो नहीं मैं गाड़ी के अंदर हूं यहां आग नहीं, का नहीं, क्योंकि ये वो मादा है, मटीरियल है, अगर इसको चिंगारी भी लग गई तो ये जल जाएगा। लिहाजा हम रिस्क नहीं ले सकते, चाहे आप गाड़ी के अंदर ही क्यों ना हो फिर भी ये रिस्क है, 0.5% भी रिस्क है कि यहां पर आग लग सकती है, लिहाजा सिगरेट नहीं जलाओ। और मौला फरमाते हैं जिस माहौल में एक मर्द और एक खातून हो, वो चाहे मस्जिद का माहौल हो, जुलूस का माहौल हो, यूनिवर्सिटी का माहौल हो, स्कूल का माहौल हो, आपके जॉब का माहौल हो, कोई भी माहौल हो जहां पे मर्द और औरत है, फरमाया तीसरा शैतान होता है, न खुद पे एतबार करना न किसी और पे एतबार करना। यह नफ्स न मौलवी को जानता है, न बूढ़े को जानता है, न जवान को जानता है, हर किसी के अंदर है। बड़े से बड़े आबिद इसके धोखे में आ गए, बड़े से बड़े आलिम इसके धोखे में आ गए, क्योंकि जिसने इसको थोड़ी सी छूट दे दी और उसके झांसे में आ गया वो तबाही की तरफ चला जाता है। गुमराही के लिए वक्त नहीं लगता, लम्हे लम्हे होते हैं, एक लम्हा इंसान को तबाह करता है और एक लम्हा इंसान को हुर बनाता है। तो असल है कि बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा जिस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारी औकात है, वो तुम्हारी कीमत है, और तुम इतने सस्ते नहीं हो कि खुद को शैतान के आगे बेच दो। अपना खरीदार शैतान को नहीं बनाओ, तेरा एक और भी खरीदार है जिसका नाम इमाम ज़माना है। तो खुद को कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जो हम मेंबर से बता नहीं सकते।